अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ iOS में और Android में दोनों में स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही ईजी है, लेकिन क्या आप सिस्टम से PC से स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं? तो दोस्तों, मोबाइल फोन के जरिए तो सबको स्क्रीनशॉट लेना आता होगा। आप लोग मोबाइल फोन में किसी भी तरह की चैट या कोई भी अपनी व्हाट्सएप स्टेटस या कुछ भी अपना हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से या आप स्टेप बाय स्टेप और मुख्तलिफ तरीकों से कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं या आप गूगल में कोई सर्चिंग कर रहे हैं, आप उनका अलग से सेपरेट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिस्टम से बासानी। या फिर आप कोई ऐसी मूवी देख रही है जिसका क्लिप आप कॉपी करना चाहते हैं या उसकी तस्वीर आप अपने पास सेव रखना चाहते हैं, लेकिन आपको वो तरीका नहीं पता कि वो कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम अपने इसी वीडियो में बताएंगे कि आप लैपटॉप से कैसे स्क्रीनशॉट आसानी अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर, अगर आप फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं सबसे पहले कीबोर्ड का प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे जिससे आपकी पूरी स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाने के बाद फिर आप जाएंगे पेंट में, पेंट का ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सर्च बार में। पेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप पेंट में आके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपकी वही पूरी स्क्रीन पेंट पे शो हो रही है। लेकिन इससे जो आप स्क्रीन में जो पूरी स्क्रीन शो हो रही है उस पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। पेंट में पेस्ट करने के बाद आप कहीं भी सेव एज JPG या PNG किसी भी अपनी अदर फाइल में आप ये फाइल भी सेव कर सकते हैं। मैं अपने केस में इस फाइल को सेव नहीं कर रहा तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ अपनी पूरी स्क्रीन नहीं बल्कि अपनी स्क्रीन का एक हाफ पार्ट का मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने लैपटॉप से विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस की को प्रेस करना पड़ेगा। इसकी क्या बहुत फायदा कि अगर आपको जिस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, अपने जिस स्क्रीन के जिस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है, सिर्फ आप उसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बाकी स्क्रीनशॉट से मंजरेआम पे। मैंने विन शिफ्ट प्लस एस का बटन प्रेस किया तो स्क्रीन में एक स्क्रीनशॉट सा शो हो गया और आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है कि ये कैसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी स्क्रीन का एक पार्ट स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो हम इजीली उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम फिर से पेंट पे जाएंगे, पेंट पे जाने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो देखिएगा रिजल्ट आपके सामने है। अब अगर आपने अपने स्क्रीन में एक ही स्क्रीन में दो या तीन या मुख्तलिफ तरह की फाइल्स ओपन की हुई है, लेट्स सपोज कि आपने दो तरह की फाइल ओपन की है और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट एक फाइल का लेना चाहूँ तो उसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी बहुत इजी तरीका है। आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको अपने लैपटॉप से स्क्रीन से विंडो प्लस शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन के बटन को इकट्ठा प्रेस करना पड़ेगा, विंडो शिफ्ट की और प्रिंट स्क्रीन। अब आप क्या करेंगे कि जिस स्क्रीन को आपने क्लिक किया हुआ या अपने स्क्रीन के जिस पार्ट को आपने क्लिक किया, सिर्फ आपका वही पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और उस स्क्रीनशॉट को पेंट पे पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में सेव हो गया। मतलब एक ही स्क्रीन के अगर दो पार्ट बना दिए जाए तो उन दो पार्ट्स के अलग अलग हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन को इकट्ठा प्रेस करने से स्क्रीन में स्क्रीनशॉट सा शो हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट हमारा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे ड्राइव में सेव हो चुका है, इसके लिए हमें पेंट की ड्राइव ओपन करने की पेंट की ऑप्शन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए पिक्चर्स में जाइएगा और स्क्रीनशॉट में जाइएगा और जो स्क्रीन हमारे सामने इस वक्त शो हुई है हम उसी का स्क्रीनशॉट लेंगे। एक स्क्रीनशॉट मैंने पहले लिया हुआ था, ये मेरी पुरानी पिक्चर्स है और ये अभी की न्यू वाली पिक्चर जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया, हमारे ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इसका एक बेनिफिट और भी है कि आप न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ओपन करें और साइड में यानी कि एक स्क्रीन में दो फाइल्स ओपन कर सकते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन की एक पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस पार्ट पे माउस कर्सर ले जाके माउस का लेफ्ट की प्रेस किया और फिर से वो बटन प्रेस किया तो फाइल हमारे पास सेव हो गई है। वीडियोस पे जाके कैप्चर फोल्डर है, कैप्चर फोल्डर में जाके ये देखिए आपके सामने फाइल सेव हो चुकी है। मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ तो स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है कि मैंने पहले नोटपैड के ऊपर क्लिक किया था तो नोटपैड की तस्वीर आ गई, तो फिर मैंने दूसरे डेस्कटॉप में क्लिक किया था, डेस्कटॉप की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ गया और बाकी फाइल ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। उसी सैंपल के तौर पर मैं तीन चार फाइल्स ओपन और कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए कि मैंने क्रोम ओपन किया हुआ था, उस क्रोम को ऊपर क्लिक करके स्क्रीनशॉट प्रेस किया तो वो स्क्रीनशॉट सिर्फ क्रोम का हुआ और जिसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ उसी की सिलेक्शन का स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। मेरा नाम है अरसलान। अस्सलाम वालेकुम।